देखिए जो तरीका होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन निकालने के बाद आप क्या करेंगी, दूसरा सेक्शन दोबारा निकालेंगी, नंबर टू पे जो है आप क्या करेंगी, हॉर्स शू सेक्शन निकालेंगी पहले, ठीक है। हॉर्स शू सेक्शन जब आप निकालेंगी तो आपका ऐसे करके ये वाला सेक्शन निकल आएगा नंबर एक, ठीक। फिर आप क्या करेंगी, जो हॉर्स शू का सेक्शन है जहाँ पे उसके कॉर्नर्स आ रहे होंगे ना, वहाँ से आपने स्ट्रेट कान की तरफ ऐसे नीचे सेक्शन निकालना है, ठीक। फिर हमारा क्या हो गया, हॉर्स शू सेक्शन हो गया, ये वाला बीच का सेक्शन हो गया, और कान के इतने पीछे से लेकर ये फ्रंट हेयर लाइन तक हमारा एक सेक्शन ये हो जाएगा, एक सेक्शन ये हो जाएगा, चार सेक्शन हो गए। ईयर टू ईयर बनेगा और एक जो है हमारा बैक सेक्शन बनेगा, समझ आ रही है। ये जब हम दोबारा करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल लिख लो। और हमने लाइटनर कौन सा यूज किया था, किस कंपनी का, एब्सोल्यूट वाइट। आप डिक्सन की कंपनी में इसके दोनों ब्लीचेस अगर स्ट्रॉन्ग वाला नहीं भी करती ना, ये एब्सोल्यूट वाइट बहुत बेस्ट है डिक्सन में, या डिक्सन में एब्सोल्यूट वाइट का जो सॉरी ब्लीच जो इनका है एब्सोल्यूट वाइट के नाम से, ये बहुत अच्छा है। ये अगर आप अपने सैलून में रखेंगी तो इससे ये होता है कि ये जो है ना बालों को डैमेजेस की तरफ नहीं लेके जाता, ये 20 और 30 के साथ बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, अंडरस्टैंड। लाइटनर हमने एब्सोल्यूट वाइट यूज किया था और वन स्कूप के लिहाज से, वन स्कूप कितना होता है, 30 ग्राम। और डेवलपर हमने 20 यूज किया, 20 वो लिया, 45 ml लिया, क्योंकि रेशो इसका क्या है एब्सोल्यूट वाइट का, 1:1.5 भूल गई। अगर हमने एब्सोल्यूट वाइट 30 ग्राम लिया है तो हमने वॉल्यूम उसका 1.5 लिया है, तो इसलिए वो हमारा 45 ml बन गया और रेशो हमारा बना 1:1.5। समझ में आ रही है शिमशा को? जी।